मंगल ढिलोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिलोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन रंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज। गुरु प्रेमियों, इस श्रृंखला में हम कुछ फिल्में आप लोगों के साथ में शेयर करना चाह रहे थे, जो फिल्में ईश्वर ने दया करके मुझसे बनवाई समय समय पे। एक फिल्म हमारी थी सर्वनाश, जो नशाखोरी पंजाब में फैल गई और लगभग एक तरह से कहें तो नस्ल कुशी हमारी हुई। नशों से बचाने के लिए एक फिल्म ईश्वर ने कृपा करके मुझसे बनवाई, जिसका नाम था सर्वनाश। वो बड़ी खोज करके बनाई गई। जिन लोगों ने हमारे वीडियोस काफी देखे हैं चैनल पे, तो वैसे तो मैंने पहले से ही ट्रेलर्स वगैरह डाले हुए थे, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि वो फिल्म भी हम अपलोड करें, क्योंकि जिन घरों में बहुत लोग शराब पीते हैं और तरह तरह के नशे करते हैं, उनको इससे राहत मिले। इस फिल्म में हमने इसको काफी जगहों पे दिखाया, पंजाब में, कॉलेजेस में, गांव में, और कई जगहों पे तो ऐसे रिजल्ट्स मिले हमको कि लोगों ने फिल्म देखने के बाद में वहीं कसम खाई कि हम नशा नहीं करेंगे। फिल्म की विशेषता यह है कि नशा लगता कैसे है, माँ बाप को सबसे बाद में पता लगता है, और शुरू में अगर कोई बताए भी तो मानते नहीं है, बताने वाले से झगड़ा करते हैं कि हमारे लड़के को बदनाम कर रहे हो, लेकिन बाद में जब बहुत देर हो चुकी थी तब घर वालों को पता चलता है। अभी बहुत सारे नशा छुड़ाओ केंद्र भी खुल गए हैं पंजाब में, हमने वहां भी जाके शूटिंग की, बहुत सारे डॉक्टर्स से बात की, साइकेट्रिस्ट से बात की, नशेड़ियों से बात की, कैसे लगता है ये नशा, कौन लोग हैं जो आपको नशे पर लगाते हैं, उनसे बचना कैसे है, उनको पहचानना कैसे है, और आपका बच्चा कुछ गड़बड़ कर रहा है, कुछ नशा कर रहा है, इसका शुरुआत में आपको कैसे पता लगे, क्योंकि बाद में तो बहुत मुश्किल हो जाती है, फिर छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमको बहुत सारे मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे भी और टेलीग्राम पे भी, और हमारे चैनल पे भी कुछ लोग लिखते हैं कि उनका पति या उनका भाई या उनका बेटा भयंकर नशे का शिकार है, उनका घर तबाह हो गया, उन्होंने कर्जे ले लेके उसका इलाज कराने की कोशिश की है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है ये फिल्म सहाय हो, क्योंकि हमने नशेड़ियों की गैरत को ललकारने का प्रयास किया है, क्योंकि जिसको ये लत पड़ गई है उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, हमको भी जो आदतें पड़ जाती हैं छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो पुलिस इसके बारे में क्या कहती है, क्राइम में कौन लोग इन्वॉल्व हैं, काफी रिसर्च करने के बाद हम लोगों ने बनाई, क्योंकि मकसद खानापूरी नहीं होता कि अरे हमने एक और फिल्म बना दी, नहीं, उसका रिजल्ट आए, उससे लोगों को लाभ हो, लोगों का जीवन बदले, और गुरबाणी कैसे नशा छुड़ा सकती है, ये उसके अंत में हमने प्रमाण देके बताने का प्रयास किया कि ऐसे असाध्य रोगों का अगर इलाज हुआ है गुरबाणी से और नशे छूटे हैं। वो जो हॉलैंड के सज्जन थे, उनका भी इंटरव्यू हमने डाला हुआ है कि कैसे गुरबाणी सुन के दरबार साहब में आके उसका वो नशा जो दुनिया भर के डॉक्टर छुड़ा नहीं पाए थे, कैसे नशा छूट गया और वो गुरमुख बन गया, अमृत चख लिया उसने, गुरसिख बन गया वो आदमी, और अब सेवा करता है वो दुनिया भर में, सिखिज्म का प्रचार करता है। तो ये सारे प्रमाण भी हम शेयर करेंगे, और नशेड़ी भी क्या कहते हैं कि गुरबाणी के पाठ जाप से उनको कैसे लाभ होता था, दवाई तो नाम मात्र थी, नाम ही था कि भाई दवाई भी ले रहे हैं। इसका ट्रेलर मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, हो सकता है जो लोग हमारे तमाम वीडियोस देखते रहते हैं चैनल पे उन्होंने इसका ट्रेलर देखा हो, लेकिन जो नए लोग जुड़े हैं या और लोगों तक हम पहुंचना चाहते हैं ताकि ये संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, हालांकि ये ट्रेलर पंजाबी में है लेकिन ज्यादातर लोगों को सरल पंजाबी है और विजुअल से और उससे आपको समझ में आएगी बात। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये फिल्म भी हम जल्दी अपलोड करेंगे ईश्वर कृपा से, क्योंकि इच्छा है कि तमाम जो फिल्में हमने बनाई जो हमारी सिख कौम की धरोहर हैं और सिख कौम के संगत के कुछ एक जो जागरूक गुरुद्वारा कमेटीज थी या कुछ एक जो जागरूक सिख थे उनके सहयोग से मैंने ये फिल्में बनाई, तो उनको भी अच्छा लगेगा और
कौम की धरोहर है, कौम के पास पहुंच जाएगी फ्री में। आप तमाम लोग अपने घरों में बैठ के दुनिया भर में देखें, तो अगर उसे लोगों को लाभ होता है, किसी का नशा छूटता है, वो गुरु की शरण में चला जाता है, अगर सारे रास्ते बंद हो गए हैं तो निश्चित रूप से वो एक दरवाजा खुला हुआ है। और बहुत सारे प्रमाण है, मैंने तो अपने चैनल पे वीडियो भी डाले हुए हैं कि जिसने वहां जाके रो के अरदास की विनती की उसको जवाब मिला है। यानी जिसका नशा कहीं से नहीं छूटा उसका नशा गुरु ग्रंथ साहब ने छुड़ाया है। सिर्फ हमको ही अरदास करनी आनी चाहिए, हमको ही प्रार्थना करनी आनी चाहिए और मदद मांगनी आनी चाहिए। ये बहुत सारे प्रमाण हैं जिनका मैंने जिक्र किया हुआ है। अल्कोहलिक यूनानिमस ऐसी एक संस्था बनाई उस आदमी ने और बहुत सारे लोगों के नशे छुड़ाए, लेकिन उसका नशा खुद का ऐसे छूटा, किसी तरह से भी नहीं छूटता था। गुरुद्वारे में जाके रो के प्रार्थना की और उसका नशा छूट गया, जबकि दवाइयों से, मतलब उसने पता नहीं कुछ छोड़ा ही नहीं था, कोई इलाज ही नहीं छोड़ा था, लेकिन उसका नशा नहीं छूट रहा था। ये उसने खुद बताया, इसका जिक्र मैं एक वीडियो में कर चुका हूं, तो उसका ट्रेलर मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। उम्मीद है इससे आप लोगों को आइडिया मिलेगा और आने वाले दिनों में जब ईश्वर कृपा करेंगे तो जल्दी हमारी कोशिश है कि वो फिल्म भी हम आप लोगों के साथ में शेयर करें, जिसका नाम है सर्वनाश, और उसका ट्रेलर आप लोगों की सेवा में पेश है, देखिए। सर्वनाश मंगल ढिल्लों फिल्म अते म्यूजिक कॉरपोरेशन दी एक सिख्यादायक पेशकश। सर्वनाश, सर्वनाश नशियां दी महामारी दे खिलाफ एक ढुकवी जंग दा ऐलान। सर्वनाश जेड़ा आखिर नू किसे हमली दा छटे ना कोई कर जा काट। सर्वनाश नशा खुरी दे भयानक अंजाम दी एक मुंह बोल दी खौफनाक तस्वीर। सर्वनाश, सर्वनाश हर नशा खोर दी जिंदगी दी सब तो वड्डी ते जोरदार नसीहत। सर्वनाश खौफनाक सच बंदे नू किते पहली बार दिस जावे काश। हर मां बाप नू औलाद दी निगरानी वास्ते चौकन्ना कर देन वाली फिल्म सर्वनाश। जे हुण भी सारे चुप रहे ता बचना नहीं कोई आमो खास। नशा खोरां दी आप बीती राही हर पक्खों सदा लई सुचेत कर देन वाली फिल्म सर्वनाश। नशियां दी भयानक महामारी तो बचन दे ढुकवें तरीके दर्शाउण वाली फिल्म सर्वनाश। जेड़ा परमाणु बम्बा वांगू कई नस्लां दा करे बीज नाश। हर इंसान नू हमेशा लई नशाखोरी तो बचे रहन दी पुख्ता ताकीद सर्वनाश। नशियां कारण भयंकर तबाही दी एक अजेही मुकम्मल तस्वीर जो नशियां दे महारोग तो बचा दे दुनियावी इलाज दे नाल नाल तर्क सहित गुरबाणी राही दुनिया दे सब तो उत्तम सदीवी रूहानी इलाज दी ढुकवी तालीम भी दिंदी है। जावो सोने कल दियास।